पता है तुम पर हमला किसने करवाया? मुझे आप पर शक है। आपकी इजाजत के बगैर वो मुझे छू भी नहीं सकते। इस हमले के लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जानता हूँ। ये सब जानने के बाद भी तुम अभी तक यहाँ टिके हुए हो, तुम्हें कितना चाहिए? मेरी बेटी का पीछा छोड़ने का कितना माल लोगे? वही लूंगा जो आप अपनी बेटी को चाहने का। सेम रेट। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। उस गुंडे में क्या पसंद आया? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिजूल की बातें मैं नहीं सुनता। ट्राई तो कर लिया। अब ये सब बताकर मेरी प्यारी बेटी की सिंपथी मत लेना। सर, सिंपथी तो तब लूंगा जब आप मुझे पिटवाएंगे। उन्हें तो मैंने पीटा। तुम पर आज जो हमला हुआ वो डैड ने करवाया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अब बहुत हुआ कृष, तुम जाओ, कोई नहीं समझेगा तुम्हें, प्लीज। तुम मेरे विश्वास का सहारा लेकर यहाँ आई थी। जब वो विश्वास तुम में आ जाएगा तब मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, लोगों को तो तुमने बदल दिया है, पर वो डैडी का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर डैडी बदल भी गए फिर भी वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। वही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हारे पापा बदले और मुझसे नफरत करें। तुम्हें तो कहा था अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो उसे छोड़ते नहीं। इंदु तो मुझे मार डालेगी। तुम हमेशा कहते हो ना कि हैप्पी टाइम में खुश रहना चाहिए, तो देखो मैं खुश हूँ तुम्हारी वजह से। जहाँ तुम रहते हो वहाँ खुशी रहती है। तुम्हारे यहाँ आने से ये वृंदावन खेल उठा है। तो दूसरे गांव का लड़का है। ये उस गांव का है, हमारे गांव की लड़की को भगा कर लेके जा रहा था। क्या इससे प्यार करती हो? क्या तुम इससे प्यार करती हो? ऐसा था तो माँ बाप को बताकर शादी कर लेती, भागने की क्या जरूरत थी? अगर बता दिया होता तो ये दिन ही नहीं आता, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। इसी वजह से ये दोनों भाग रहे थे। ए, इन दोनों गांव की दुश्मनी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। ए, तुझे उस गांव से जलन क्यों होती है? ए, आखिर वहां के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दो लोगों की आपसी दुश्मनी को तुम लोगों ने गांव भर की दुश्मनी बना दिया। दोनों गांव के जो बच्चे हैं इस झगड़े की वजह भी नहीं जानते। तुम ये भूल कैसे गए? तुम यहीं पैदा हुए, इसी गांव में बड़े हुए हो, लेकिन यहां प्यार करने वाला नहीं बदला लेने वाला मर्द होता है, नफरत करने वाला महान होता है। अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो किसी की भी परवाह नहीं करते, चाहे बीच में उनकी मां आ जाए या चाहे उनका बाप। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम उस गांव के हो। चलो भैया, वो उसे लेकर जा रहा है, दोबारा हाथ नहीं आएगा। आप बोले तो साले को चीनी डालेंगे। कौन बोला बे? कौन है जो इसे चीनी डालेगा? पूरा गांव एक तरफ और मैं अकेला इसके साथ। जिससे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है वो बस इसे छू कर बताए। मैं इसे ले जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। मुझे खबर मिली है कि उन लोगों ने मेरे गांव के एक बच्चे को पीटा है। रास्ता छोड़। रवि,
मेरा बेटा, कितना मारा है तुझे। उस गांव के जिस आदमी ने भी तुझे हाथ लगाया है, उन सब के हाथ उनके धड़ों से अलग कर दूंगा रवि। बस इतना ही? आप उन्हें जान से नहीं मारेंगे? आज इसके साथ जो हुआ उसके लिए सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, आप भी हैं। तो आपकी सजा क्या है? आपने एक बड़े भाई की तरह इसे पढ़ाया है, इसे संभाला है, पर इसने भागने की बात आपको नहीं बताई। क्या इस डर की वजह जानते हैं? आपने इसका साथ दिया हर मुश्किल में, पर प्यार के मामले में आप इसका साथ नहीं देंगे, ये बात इसे पता है। याद है आपने क्या कहा था? इसे जिंदगी में जो चाहिए वो इसे जरूर मिलेगा, पर आज ये आपके सामने अपना प्यार उस गांव में हार कर आया है। अब ये क्या कर पाएगा? और ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आपका इस पर पूरा हक बनता है। अब इसे डुबाना है या उभारना है, ये आपका फैसला है। ये किसी भी हालत में हमारा दामाद बनने लायक नहीं है। ऐसे लड़के को प्यार करती हो? हाँ, भूल जाओ उसे। मर्द बनता है तू? हाँ, माचो मैन, तुझे मर्दानगी दिखाने को मेरा ही गांव मिला था। 25 साल पुरानी दुश्मनी को चुटकी में बदलेगा, इतना महान है तू? अब तक तेरे टुकड़े हो गए होते अगर तू मेरे घर पर मेहमान ना होता। मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूँ, फिर भी मेरे घर की रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अपने प्यार भरे दो मीठे बोल बोल कर तूने मेरी भोली भाली बेटी को फुसला दिया होगा, पर मेरा और इस घर का दामाद बनने के लिए सिर्फ ये लड़की तुझे पसंद करे ये काफी नहीं है। फूफा पसंद करे, चाचा भी पसंद करे, बुआ पसंद करे, मैं पसंद करूं, तब तू दामाद बनेगा इस घर का। पर यहां पर तुझे कोई नहीं चाहता, कोई तुझे पसंद नहीं करता। एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना मर जाएगी? जैसे ही तू यहां से जाएगा, 4 दिनों में ही ये अपने परिवार के प्यार में तेरे प्यार को पूरी तरह से भूल जाएगी। कान खोल के सुन, मैं यहां के गांव का, घर का, सबका मुखिया हूं। इस घर का दामाद और मेरा उत्तराधिकारी वो होगा जो मेरी शान को बरकरार रखेगा, ना कि तेरे जैसा घटिया चालाक। भानु, अब बस करो। ये गांव क्या सोचता तुम उसकी बात करते हो? बस घर के बारे में कभी सोचा? तुमने दुश्मनी की बात की और हमने इसे अपने सर आंखों पर रखा। तुम मर्दानगी और मानता की बात ना ही करो तो अच्छा है। तुम ही ने उसको यहाँ गांव में बुलवाया और फिर इसे पिटवाया। वो फिर भी हंसता रहा और हमें प्रेम की भाषा सिखाता रहा। इसे महानता कहते हैं साले साहब। तुम्हारे खरीदे हुए गुंडे इसने चुटकी में मसल दिए, सबको मार भगाया, इसे कहते हैं मर्दानगी। प्लीज आप चुप हो जाइए। आज चुप नहीं रहूंगा। क्यों जी? मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूँ इसलिए तुम मुझे बाहर फेंक सकते हो, पर अब मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। इज्जत और अभिमान से जीने की हिम्मत इस लड़के ने हमें दी है साले साहब। हाँ, इस लड़के ने। ये बताओ, वो जैसा कामचोर दामाद बन सकता है? ये दामाद बन सकता है, और यहाँ तक कि तुम्हारी नजर में वो गुंडा भी दामाद बनने के लायक है। पर जो इस घर में इतनी खुशियां लाया है, ये लड़का तुम्हारा दामाद बनने के लायक नहीं। ऐसा क्यों भैया? ये तो कहना मुश्किल है कि भूमि इस परिवार के प्यार में इसे भूलेगी या नहीं, लेकिन हमें जिसने मोहब्बत की भाषा सिखाई उसे नहीं भूलेंगे हम। पूरा गांव क्या सोचता है उसकी हमें परवाह नहीं। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। एक बात तो बिल्कुल सही है, भूमि के लिए इससे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा। सर, अब आप इन लोगों की बातें मत सुनिए। ये लोग तो मेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गए हैं। आज तक मैं सोचता था कि ये प्यार और अपनेपन की वजह से मेरी इज्जत करते हैं, पर तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि वो प्यार नहीं डर। सर, अब...
मैं सिर्फ नफरत की भाषा बोलता रहा, इस डर से कि कहीं इसे प्यार न कर बैठूं। बचपन से ही मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। सोचा था मेरी बीवी ही मेरी जिंदगी है, पर वो भी 2 साल में चली गई। उसके बाद यही मेरी जिंदगी है, यही संसार है, पर मैं उससे ये कह नहीं सका। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बन गया। प्यार से बात करना तो मैं भूल ही गया हूं। मैं अपनी बहनों से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए उनके पतियों को घर जमाई बना लिया। जब पता चला ये तुमसे प्यार करती है, तो मुझे लगा कि मेरा संसार टूटकर बिखर जाएगा। अगर ये चली गई तो मेरा क्या होगा। उसे यहां रखने का स्वार्थ था जो मैंने उसकी शादी अपने गांव वाले से तय कर दी। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें इससे दूर भगा देना चाहता था। सारे घर वालों के सामने मैं तुम्हें हराना चाहता था, पर तुम जीत गए। सर, मैं हार गया, हार गया। इधर, इधर। मैंने तो इसके बॉयफ्रेंड को बुलाया था, पर ये तो इस घर का दामाद ले आई। खुश रहो।